हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हो रही है तन्मय की कटिंग। तन्मय के बाल थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं। उसको पिछले हफ्ते ही कटिंग करानी थी, लेकिन उसके पापा को ने ध्यान नहीं दिया, कटिंग नहीं कराई। मैंने बोला भी था, फिर जो है मंडे आ गया, स्कूल डेज शुरू हो गए, तो फिर जो है कटिंग होना तो पॉसिबल नहीं था। अब शाम में कराएं, फिर वहाँ पर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, फिर इसकी कटिंग, मतलब। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, संडे तक रुक जाते हैं। तो अभी जाके आज इसकी कटिंग हो रही है। एक टाइम वो था जब तन्मय कटिंग कराते हुए दुनिया भर का रोता था, इसे पकड़कर बैठना मुश्किल होता था। इस वजह से इसके बाल बहुत बड़े हो जाया करते थे और इसकी कटिंग हम बहुत बहुत लेट कराया करते थे, क्योंकि इसकी कटिंग कराना हमारे लिए महाभारत था। ये इनको पकड़ना, ये तो कई बार मुझे बोलते थे तू भी चल, तू भी इसको पकड़ियो भाई, इसकी कटिंग मैं नहीं कराऊंगा। तो कई बार इसकी जो है एक दो बार इसके घर पे भी की थी, क्योंकि ये वहाँ नहीं करवाता था, रोता था, चिंगाड़ता था। वो नाई भैया भी बोलते थे कि इसको ले जाओ भैया, हमारे पास की नहीं है, कहीं कट कुट लग गया तो बस। लेकिन सब बोलते थे कि जब बड़ा हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे करते हैं तो वाकई में ये सच है कि अभी ये ठीक हो गया है। बहुत सारी आदतें, तन्मय ने हमें बहुत दुखी भी किया है। पूरी पूरी रात ये हमें जगाता था, हम बहुत दुखी हुए हैं इसके चक्कर में। और यहाँ पर ये है अगला दिन, मंडे की मॉर्निंग, और मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। आज टिफ़िन में आप समझ गए होंगे कि क्या जाने वाला है। हाँ जी, मैक्रोनी जाएगी। कई दिन से इनको लगा पड़ा है, तन्मय को खास तौर से, उसके क्लास में कोई बच्चा वो ला रहा होगा मैगी, तो उसको लग रहा है उसकी मम्मी देती है, आप नहीं देते हो, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो भैया, मैं इसलिए नहीं देती मैगी मैक्रोनी, ये चीज़ें ना अजीब सी हो जाती हैं, जमी जमी सी हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चे नहीं मान रहे तो मैंने कहा चलो देते हैं आज इनको। तो मैक्रोनी बॉयल होने रखा, काफ़ी देर हो गई मुझे उठे हुए, मैं थोड़ा सा घूम भी ली हूँ, और अब मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं। और आज मैक्रोनी वाला टिफ़िन था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, मतलब धीरे धीरे चल रही थी मैं, क्योंकि मेरे को ये था कि बन जाएगी मैक्रोनी में, कौन सा मतलब टाइम लगेगा, और दूसरा उसको बना के नहीं रख सकते, टाइम टू टाइम लेके चलेंगे चीज़ों को। तो मैंने कहा चलो पहले पानी पीते हैं गर्म। तन्मय नहीं उठना, नहीं ले जानी लंच में मैक्रोनी, ठीक है मत लेके जा लंच में मैक्रोनी। फिर उठ क्यों नहीं रहा, मैं नहीं बनाऊंगी, फिर उठेगा नहीं तो। उठ फिर, जल्दी नहाना भी है, तन्मय ब्रश भी करना है, देख दीदी ने, तो फिर उठो ना, उठो जल्दी। पहले मैं फ्राई कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ को, फिर इसी कढ़ाई में मैं आगे मैक्रोनी बना लूँगी। पहले मैंने सोचा था, अब सोचा क्या था, मैंने दोनों गैस पे दोनों कढ़ाइयाँ रख दी थी, तो मैंने कहा एक में मैं ये तल लूँगी और एक में मैं वो बना लूँगी, क्या नाम, मैक्रोनी बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने इनको तलते तलते सोचा कि अभी टाइम है और मैं इसी में बना लूँगी तेल कम करके। तो यहाँ पे पहले मैं इन लोगों के लिए ये फ्राई कर रही हूँ, इनके लिए फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बाज़ार से रेडीमेड ही मिल जाते हैं, बस इनको फ्राई करना होता है और बस फिर खा लो, तैयार हो जाते हैं चार पाँच मिनट में। 3 मिनट लिखा होता है उसमें टाइमिंग, लेकिन थोड़ा सा पकाओ तो चार पाँच मिनट लग ही जाते हैं। तो ये जो है देखो बन भी चुके हैं, तो टाइम बहुत कम लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, और कभी कभी में ये चीज़ें चलती भी हैं। तो अभी बस इनको फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी मैक्रोनी बनाने की, जो कि मैं कर भी रही हूँ बीच बीच में इनको कढ़ाई में छोड़ के, जैसे प्याज छीलना, लहसुन छीलना, टमाटर, हरी मिर्च, वो सब। और साथ ही साथ घर में दूसरी एक्टिविटीज़ भी चालू है, जैसे कि बच्चों का रेडी होना, उनके पापा उनको जो है, मतलब तन्मय को, गुड्डू को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो यूनिफॉर्म पहनना हो, नहाना हो, ब्रश करना हो, उठना हो, वो सब कुछ अपने आप कर लेती है। एक आवाज़ देनी होती है, वो खुद से एकदम से उठ जाती है। तन्मय छोटा है तो थोड़ा उसके साथ लगना पड़ता है, करवाना पड़ता है। तो उसको जो है यहाँ पे उसके पापा रेडी कर रहे हैं, पहले उसको नहलाना था उन्होंने, तो नहलाया उसको, फिर उसको रेडी कर रहे हैं यहाँ पे सॉक्स वगैरह पहनाना। सॉक्स तो उससे बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती हैं, तो बस वो उसको रेडी करने के बाद जो है अभी कुछ काम इतना नहीं बचेगा, टिफ़िन वगैरह बनाने रह गए हैं इनके, वो मैं कर रही हूँ किचन में। तो सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, मैं अपने काम पे, ये अपने काम पे, बच्चे अपने काम पे, और थोड़ा सा मैं इनको बोलती हूँ सुबह में खा लो, जो कि आजकल गुड्डू बिल्कुल भी नहीं खा रही है। इसके मूड चेंज हो रहे हैं गुड्डू के बहुत ज़्यादा, पहले वो खा लिया करती थी सुबह में, आधा पराठा ही खाए, लेकिन आजकल तो वो एक दाना जो बोलते हैं ना वो खा कर नहीं जा रही है। कितना भी डांट लो, कितना भी बोल लो, फिर वही आता है मन में कि डांट के, मेरी मम्मी का कहना है कि डांट पीट के खिलाओगे तो शरीर को लगता भी नहीं है।
फिर मैं ज़्यादा इसके साथ नहीं झिकझिक करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं किचन में इनको अभी करने लगी हूँ। मैक्रोनी को मसाला तैयार हो गया था, ये भी मैंने बोला खा लो, तो खैर चलो मैक्रोनी थी तो थोड़ी थोड़ी दोनों, मतलब तन्मय तो खैर नहीं करता टच वुड, वो खा लेता है। गुड्डू ने भी खा ली थी आज, मैंने कहा अच्छा जी मैक्रोनी है तो आज इनको खाना है थोड़ा थोड़ा सा, तो उसने थोड़ा थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा इनके लंच बॉक्स में रखा। मेरा तो आज फास्ट है क्योंकि मंडे है, और थोड़ा सा इनको भी दूंगी, विपिन को भी। हालांकि वो इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो खा लो, तो खा लिया उन्होंने भी थोड़ा सा। तो अभी देखिए ये जो है मैक्रोनी लगभग बन गई है, अभी थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी मसालों के साथ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी दे चुकी हूँ और ये पक भी चुकी है, तो बस अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा टिक करके टिफ़िन में डालना है। ठंडा ज़्यादा नहीं करूँगी इसको, क्योंकि टिफ़िन में रख के ठंडे ठंडे, और मेरे को ये हो रहा था पता नहीं जम जाएगी, बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे। तो बच्चे उन्होंने तो शौक से खाया और पूरा टिफ़िन अपना फिनिश किया रोज़ाना की तरह। टिश्यू पेपर रखो बेटा आज, क्योंकि वो टिफ़िन में नहीं जाएगा ना। कुत्ते थे लकी भैया आया था ना, ये रखो पॉकेट में रखो, जब आप खा लोगे तो इसको वो कर लेना, नीचे रख लो नीचे। हाँ गंदे हाथ मत लगाना निकालते हुए शर्ट पे, यहाँ रखते ना यहाँ इधर। हाँ तो बच्चे जा चुके हैं, 7:30 बजे नहीं है अभी, 5-7 मिनट होंगे। तो उठने के बाद जैसे बच्चे बच्चे भी उठ जाते हैं, गुड्डू तो मेरे साथ ही उठ जाती है लगभग, तन्मय थोड़ा बाद में उठता है, तो मैं फिर जो है चादर वादर उठा के और यहाँ पे बेड सेट कर देती हूँ। इधर की साइड पूरा रूम सेट कर दिया है, बस अब डस्टिंग वगैरह होनी है। अब चलते हैं इस कमरे से बाहर, मैंने कहा देखो दिखा देती हूँ। पता है सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं होता, किसी ने कहा था कि सुबह से वीडियो स्टार्ट करना, लेकिन हो नहीं पाता है सुबह से वीडियो स्टार्ट। थोड़ी देर में अब बैठूंगी, 5-7 मिनट फ़ोन वगैरह चेक करूंगी, एक बार फ़ोन देख चुकी हूँ सुबह, एक बार अभी भी मन हो रहा है। उसके बाद काम पे लगूंगी, चाय वाय पियेंगे और काम भी करते रहेंगे। तो ये रूम भी देखो मैंने सेट किया हुआ है, सारा का सारा सेट हो जाता है। और रात में मेरा देखो चश्मा मैंने गुस्से में गिर दिया, मेरे दोनों लेंस गिर गए इसके, एक तो मिल गया था हाथों हाथ, एक नहीं मिला था, एक बेड के नीचे गया होगा। कर लेती हूँ अपना काम, आप लोगों से मिलूंगी मैं आराम से काम करने के बाद। वो देखो टाइम, इसमें तो खैर ये घड़ी तो आ गई, इसमें तो 7:30 हो गए होंगे। इसको रखती हूँ यहाँ, बाहर जाएगा। पर्दे हटाती हूँ, उस कमरे के तो हटा दिए पर्दे, खिड़की में शीशा अब तक नहीं लग रहा टूटा हुआ, और जब ऐसे करते हैं ना इसे तो मुझे डर लगता है कि अभी गिरेगा नीचे टूट के। कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो बस रह ही जाते हैं। आज मुझे सर धोना है, आज है सोमवार। थोड़ी देर बैठी, चाय वगैरह पी, किचन समेटी, घर तो पूरा समेटा हुआ सा ही था, तो मैंने सोचा कि चलो भैया काम शुरू कर लेते हैं। तो झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते इस कमरे में आ गई, और इस कमरे में झाड़ू लगाने के टाइम पे मैंने सोचा कि चलो आज सोफ़ा हटाते हैं और फिर डस्टिंग करते हैं। रोज़ डस्टिंग होती है, लेकिन सोफ़ा मैं रोज़ नहीं हटाती, क्योंकि रोज़ इस तरह की चीज़ें हटाना असंभव है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने कहा जब मुझे सोफ़ा हटाना है तो फिर मैं उस दिन क्या करती हूँ, सोफ़े पे चढ़ती हूँ, टीवी वगैरह साफ़ करती हूँ, इसके आसपास की चीज़ें, क्योंकि सोफ़े पे मैं रोज़ रोज़ चढ़ के टीवी की डस्टिंग नहीं करती हूँ। हफ्ते में 3 बार होता है और धूल भी नहीं जमती है इतनी। तो अभी जो है मैं खिड़की वगैरह भी कर लूँगी, खिड़की रोज़ डस्टिंग होती है, लेकिन आज इस तरीके से हो रही है हटा के, और इतनी धूल इसमें नहीं होती है कि वो बहुत सारी उड़ेगी। और क्योंकि कमेंट आ रहे थे ना, रश्मि आप इससे करते हो धूल वापस से आके सोफ़े पे बैठती होगी, गंदे हो जाएंगे ये वो, इतनी धूल होती नहीं है कि सोफ़े पे बैठेगी, क्योंकि रोज़ रोज़ साफ़ होता है। अगर एक दिन रह भी गया ना तो नेक्स्ट डे कन्फर्म है कि भैया मुझे खिड़कियाँ खोल के डस्टिंग करनी ही करनी है। तो अभी मैं जो है सोफ़ा वगैरह हटाया था, खिड़कियाँ करी थी, ऊपर टीवी की साइड भी कर दी है, तो अब मैंने कहा चलो सोफ़े पे भी कर देते हैं। और अगर कई बार होता है ना बारिश इधर की और खिड़की बहुत गंदी हो गई है, तो मैं पानी का यूज़ करती हूँ, गीले कपड़े का यूज़ करती हूँ, फिर सूखे कपड़े से नहीं मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से सोफ़े का कवर डाल दूंगी। और ये वाले कवर के लिए बहुत बार मुझसे पूछा गया है आपने कहाँ से लिए हैं, तो चाहे वो येलो वाले कवर हो चाहे वो ग्रे वाले लास्टिक वाले कवर हो, मैंने अमेज़ोन से लिए हैं दोनों के दोनों। और सच बताऊँ दोनों के दोनों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अभी तीसरे कवर और लेने हैं, जो कि मैं अब ऑफलाइन लूँगी, ऑनलाइन नहीं लूँगी।
ये येलो वाले ठीक है, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो। इसमें और कलर भी आपको मिल जाएंगे, जो कि अमेज़ोन पे आप जाकर सर्च करोगे ना, लिखोगे क्या करके था ये, थ्रो सोफ़ा थ्रो करके लिखोगे तो आ जाएगा अमेज़ोन पे या कहीं पे भी। तो यहाँ पर देखिए पूरा कमरा सेट हो चुका है, उधर की भी डस्टिंग कर दी है मैंने, खिड़की की इधर की भी कर दी है, साथ के साथ इस कमरे में पूरे में डस्टिंग हो चुकी है। मैंने कहा मेज़ पे भी ये सूखा कपड़ा मार देती हूँ, फिर यहाँ पे कॉलिन मारूँगी बाद में जब झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि झाड़ू ना कम आधे घर में हो गई है, आधे घर में रह गई है। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने अंडा देखा, मतलब अंडा दिया है, तो फिर मेरे को हुआ, मैंने कहा विपिन जल्दी से दिखाओ सबको, देखो घोंसला भी उसने कंप्लीट कर लिया था अपना, मैंने बीच में नहीं दिखाया आपको, मैंने कहा लोग बोलेंगे अब रोज यही चीज़ दिखानी है रश्मि ने। तो पोछा लगा रही थी और ये पोछा लगाते लगाते ही मैंने अंडा देखा था, तो मैंने कहा जल्दी फ़ोन लेकर आओ विपिन सबको दिखाओ। तो सारा काम हो चुका है, बस अब मुझे नहाना है, पूजा करनी है, ये सारी चीज़ें रह गई हैं, काम सारा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। और बहुत मन को सुकून मिलता है जब मैं अपने लास्ट में इन दो बरामदों में पोछे लगाती हूँ। मैंने सोचा था आज रहने दूंगी क्योंकि रोज़ यहाँ पे पोछे लगते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता ना, तो मैंने कहा नहीं मैं लगा लेती हूँ। और एक बात और बता दूँ, अभी आपको एक अंडा दिखाया है और आज मतलब कि मंगलवार को जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो दो अंडे हो चुके हैं वहाँ पर। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। ये यहाँ पर मैंने मक्खन डाला है, घी डाला है और उसमें गर्म होने के बाद जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद कुछ सेकंड रुकी, भुनने दिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट डाल रही हूँ जिसमें है टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे डालूँगी सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैं जो है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रंग वाली लाल मिर्च और नमक, ये सब डाल रही हूँ और इन सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे और भून जाने के बाद मैं इसमें गरम मसाला भूल गई थी तो वो डाल रही हूँ। तो गरम मसाला डालने के बाद भी मिक्स किया, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा चलो और भून लेते हैं। और भूनने के बाद मैं इसमें अब डालूँगी टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी डाल दिया गया है। तो इसको डालने के बाद मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि तेल अलग हो जाए, घी अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, कढ़ाई छोड़ रहा है, तो मैं फिर भी थोड़ा सा और भून रही थी क्योंकि देखिए मसाला अगर आप खास थोड़े से किसी ऐसी सब्ज़ी का बना रहे हैं जो थोड़ी स्पेशल सी है, जैसे मशरूम की हो गई, पनीर की हो गई, एक दो और हैं जिनकी ग्रेवी खूब पकानी पड़ती है तब जाकर उनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसकी ग्रेवी को भी अच्छे से पकाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें मलाई, मलाई मैंने जो है छोटा चम्मच लगाओगे तो 4 से 5 चम्मच लिया, अगर आपका बड़ा चम्मच है तो 3 चम्मच के बराबर लगभग रही होगी। तो इसको डालने के बाद मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स डालने के बाद एकदम से गर्म है सारी चीज़ें, मलाई भी इतनी नहीं डाली कि ठंडा हो जाएगा, तो वो तुरंत उसमें खद्दे आने लगे थे, तो खद्दे आने तक मैंने इसको चलाया है, थोड़ा सा डर रहता है कि फटवट ना जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, एक छोटी कटोरी दही डाली होगी, छोटी सी एक कटोरी। तो इसको डालने के बाद तो ज़रूर से इसको चलाना है क्योंकि अगर ये आपने छोड़ दिया तो फिर जो है दही जो है वो फट जाएगी, सारा मसाला ख़राब हो जाएगा। तो इसको डाल के मैं चलाती रही थी और अब देखिए कितने अच्छे से मसाला हो चुका है। जब अच्छे से खद्दे आने लगेंगे तब चाहे छोड़ दीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो है फिर से इसको थोड़ा भूना, फिर अब लास्ट में बारी आ गई है इसमें दूध डालने की। तो दूध मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगी जितना मुझे पनीर है उसके हिसाब से, तो थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि थोड़ा सा पनीर है, थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी इसको मिक्स और ये देखिए मिक्स करने के बाद मैंने उसको दूध को काफ़ी पका लिया था। और उसके बाद अब बारी आ गई है इसमें पनीर डालने की, क्योंकि अच्छे से तेल ऊपर आ चुका है, हो चुकी है ग्रेवी रेडी। तो पनीर डाला, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा 2-2.5 मिनट पकाऊंगी और फिर सब्ज़ी हो जाएगी बनके रेडी। सब्ज़ी रेडी हो जाएगी ना जब लास्ट में, तो मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी, धनिया हो तो धनिया भी डाल सकते हैं। तो अभी जो है इसको पकने देते हैं थोड़ा सा। और यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार, कुछ भी नाम दे दीजिए जो भी देना है, बहुत ही बढ़िया बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर कहेंगे हाँ रश्मि बढ़िया बनी थी। तो चलो कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।